तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 19 के प्रीव्यू को। प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है, हमें जियान दिखाया जाता है अपने ग्रुप के साथ जो कि बाईचेन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। अब ऐसा क्या हुआ कि जियान बाईचेन के ऊपर हमला करने चला जाता है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपन को। तो जियान और जियान के पैन गेट के पास जो फायर एनर्जी थी वो काफी ज्यादा कम बचती है, इसलिए जियान सोचता है कि फायर एनर्जी कमाने के लिए वो पिल बेचेगा। तो जियान पिन रिफाइन करता है और पैन गेट के सभी मेंबर जाकर पिल को बेचने लगते हैं। पर जब जियान के पैन गेट के सभी मेंबर पिल बेच रहे होते तो व्हाइट गैंग के मेंबर आकर उनको परेशान करने लगते और पिल बेचने से रोकने लगते हैं। तो सभी पैन गेट के मेंबर जियान के पास जाके वाइट गैंग की शिकायत करने लगते और ये करने लगते हैं। और जियान व्हाइट गैंग की ये सब हरकतें सुन के काफी देर गुस्सा हो जाता है और सभी मेंबरों से बोलता है आज व्हाइट गैंग का काम ही खत्म कर देंगे। चलो तो फिर जियान व्हाइट गैंग के पास पहुंच जाता है। फिर उनके बीच में थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी होती है। जियान बोलता है कि तुम्हारे व्हाइट गैंग ने प्रॉमिस किया था कि वो हम लोगों से 6 महीने तक नहीं बोलेंगे, पर तुम लोग अपने प्रॉमिस पे नहीं टिके। तो बाईचेन बोलता है जो व्हाइट गैंग के मेंबर है उन्होंने सिर्फ पैन गेट के मेंबर को सिर्फ रोका था, ना कि उनको मारा था, क्योंकि हमारे व्हाइट गैंग और मेडिकल गैंग के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे है, मतलब कुछ समझौते हो रखे है, इसीलिए हमने पैन गेट के मेंबरों को रोका मेडिकल पिल बेचने से। पर ये सभी बातें फालतू की होती है और वो जियान को पोक करता रहता है और जियान गुस्से में आकर अपनी हैवी शॉट से अटैक कर देता है बाईचेन के ऊपर। तो बाईचेन भी जियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते उससे पहले लिंगयान बाईचेन के ऊपर हमला कर देता है। और लिंगयान के जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसा कि आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो कि लिंगयान बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है बाईचेन के ऊपर, क्योंकि लिंगयान एक दाओलिंग का 7 स्टार का वॉरियर है और इनर अकेडमी के अंदर जो मोस्ट पावरफुल स्टूडेंटों की लिस्ट है उसके अंदर वो टॉप 10 के अंदर आता है। ऊपर से साइको बॉडी, मतलब पूरी तरीके से साइको है, इसीलिए लिंगयान कुछ ही देर में बाईचेन को हरा देता है। और बाईचेन समझ चुका था कि वो लिंगयान को नहीं हरा सकता, इसलिए वो लिंगयान से बोलता है कि तुम क्यों बीच में कूद रहे, हमारी और पैन गेट की बात है। तो लिंगयान बोलता है कि मैं भी इस पैन गेट का मेंबर हूं और मेरे ग्रुप से कोई भी बोलेगा ना साले का मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये बात सुनते ही बाईचेन समझ जाएगा कि अब वो पैन गेट का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता जब तक लियान खड़ा है उनके सामने, इसलिए ये फाइट को छोड़कर वो वहां से जाने लगता है। पर तभी कहानी में आता है वहां पे एक ट्विस्ट, तभी स्टूडेंटों के बीच में से एक बंदा चल के आ रहा होता है और उसका नाम होता है हेनजी, मेडिकल गैंग का लीडर, और इसी ने व्हाइट गैंग के मेंबर को भड़काया था जियान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि इसका जो ग्रुप है पूरे इनर अकेडमी के अंदर यही सप्लाई करता है मेडिकल पिल्स को, अगर जिसको भी मेडिकल पिल चाहिए तो इसी ग्रुप से लेनी होगी। अब जियान भी मेडिकल पिल सप्लाई करने लगा था इनर अकेडमी के अंदर, जिस वजह से इसका जो डोमिनेशन था पिल बनाने का इनर अकेडमी के अंदर वो कम होता जा रहा था, क्योंकि इसकी पिल्स और जियान की पिल्स में काफी डिफरेंस था। जियान की पिल्स काफी ज्यादा अच्छी थी इसकी पिल्स के कंपैरिजन में, इसी वजह से जियान की पिल्स सभी लोग खरीदने लगते और इसकी पिल्स की जो क्वांटिटी थी वो डे बाय डे कम होती जा रही थी पिछले की, इसलिए व्हाइट गैंग के हाथों जियान को साइड में हटाना चाह रहा था। पर लिंगयान के आने की वजह से इसका सारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो जाता है, इसलिए खुद सामने आ जाता है और फिर जियान के साथ बातें करता रहता है और फिर उसके बाद जियान को चैलेंज दे देता है और वो चैलेंज होता है वो आप लोग मुझे बताना, और एक और बात बताना कि ये बंदा कौन से टीयर का एल्केमिस्ट है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाईचेन का क्या हुआ, तो भाई साहब बाईचेन का किस्सा खत्म हो चुका है, अब वो आप लोगों को आगे नहीं देखने को मिलेगा। और आप लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि ये जो फॉलन आर्ट फ्लेम है वो कौन से रैंक पे आती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो टोटल हेवनली फ्लेम है वो 23 है और उसमें से ये 14th नंबर पे आती है, और हमारे जो मास्टर की फ्लेम है बोन चिलिंग फ्लेम वो 11th नंबर पे आती है। और हाँ, इस सीजन के अंदर हमें एक और हेवनली फ्लेम देखने को मिलेगी और उसकी रैंकिंग होगी 15 और उसका नाम है सी हार्ट फ्लेम, और वो किसके पास है वो आप लोग मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और वहीं पर जो जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम है वो 17 या 18 नंबर की हेवनली फ्लेम है, और अगर आप लोगों को डिटेल के अंदर हेवनली फ्लेम्स के बारे में जानना है तो आप लोग मेरी हेवनली फ्लेम की वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सभी फ्लेमों के बारे में बताया है, वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा और आप लोग सर्च करके भी जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग बैटल थ्रू द हेवन देख रहे तो हेवनली फ्लेम्स के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोल लैंड के अंदर सोल रिंग्स होती है वैसे ही बैटल थ्रू द हेवन के अंदर हेवनली फ्लेम्स होती है। तो यही कुछ था बैटल थ्रू द हेवन एपिसोड 19 के प्रीव्यू के अंदर, और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके भी आप लोग मुझे बता सकते हो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।